और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मदन राठौर को धमकी दी गई है, मदन राठौर को दी गई है धमकी, फोन कॉल पर दी गई राठौर को धमकी, जान से मारने की फोन से दी गई है धमकी। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। एक फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं राठौर, जिनको फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल सेन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर को फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है, क्या कुछ है ये पूरा मामला अनिल? देखिए बिल्कुल, हालांकि किस मकसद से जो आपराधिक तत्वों का व्यक्ति नजर आ रहा है उसमें धमकी दी है, इसकी जांच पुलिस कर रही है। क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली के पार्लियामेंट थाने के अंदर शिकायत जो है वो यहाँ पर दी गई है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से, और ये नंबर भी जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है। दो बार इस नंबर से मदन राठौड़ के पास में कॉल आया है, और कॉल आने के अब क्योंकि लगभग 11:45 के पास में कॉल आने की सूचना यहाँ पर है। इससे पहले हमने देखा 11:44 पर कॉल आया, फिर 11:45 के आसपास कॉल यहाँ पर आया है। दोनों बार जब मदन राठौड़ से बात हुई 40 सेकंड के लगभग ये बात इस फोन कॉल के माध्यम से हुई है। बताया जा रहा है मदन राठौड़ से जैसे फोन पिक वहां पर किया तो व्यक्ति ने अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया, फिर अंत में ये कहते हुए फोन काट दिया कि वो उनको जान से खत्म कर देंगे, जान से मार देंगे। तो उसे फोन आने के बाद में तुरंत कार्रवाई करते तुरंत एक्शन लेते मदन राठौड़ ने अपनी शिकायत जो है फिलहाल क्योंकि दिल्ली में है मदन राठौड़, तो ऐसे में सदन भी चल रहा था। सदन में चलते समय जब वो फ्री होकर जब बाहर आए थे तब ये फोन यहाँ पर आया था। ऐसे में वहीं पर दिल्ली के जो पार्लियामेंट्री थाना है वहां पर शिकायत देते हुए उन्हें बात वहां पर जो रखी है। पुलिस पूरी तरह से उस पूरे मामले पर नजर भी रख रही है, ये भी देख रही है कि आखिरकार व्यक्ति कौन है, क्योंकि पहले तौर पर जिस तरह से माना जा रहा है कि ये कोई बिहार का जो युवक है वो धमकी देने वाला बताया जा रहा है, लेकिन फिर पुलिस जो है त्वरित एक्शन यहाँ पर कर रही है, कौन व्यक्ति इसकी पूरी छानबीन में जुट गई है। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।